यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। इतना कर रही है मीडिया, बस मैं कैसा नहीं देना, मेरे लोग इतना परेशान है, बाहर मैं जवाब क्यों नहीं दूंगी? हक सामने आ जाएगा तो परेशान हो जाएंगे ना, बिल्कुल हक यही सामने आएगा ना। 14 कस्टडियों को उठा कर भी एक भी इनके पास प्रूफ एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। इंडिया की एजेंसी कहती है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, खाली पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर से है, ऊपर से है, अब वो ऊपर कौन है देखना पड़ेगा। जी मैडम, अल्लाह साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा ऊपर वाला है। मैं भी आपके साथ में, हम पूरे 2 लाख कस्टमर आपके साथ है, कोई भी कुछ भी कर लो, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ हूँ, सबको कस्टमर के साथ, बिल्कुल बेशक। नहीं, मेरे ऊपर तो मीडिया इतनी झूठी बातें निकल रही है, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं मीडिया से बात करूं, क्यों मैं उसका रिप्ले दूं, मुझे अलाउ नहीं है। बॉयकॉट उनके ऊपर डिफेमेशन लगा, नहीं नगरी ऐसे गुड़ा मेरे। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ मैं आपके सामने आपा डॉक्टर नौहीरा शेख की कुछ अपडेट्स लेकर। अपडेट देखिए कुछ खास नहीं है, वही है जो आपको पता है। बॉम्बे हाई कोर्ट की 7 अक्टूबर, अभी कैसा आपको 7 अक्टूबर को ही न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि कैसा है हम लोग के पास में जब तक के कोई न्यूज़ नहीं रहती है तो वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा न्यूज़ चैनल है तो पर्टिकुलर न्यूज़ रहती है, वही न्यूज़ देना है। बहरहाल वीडियो बनाने का ये मकसद है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, कोई यूट्यूबर है वो लोगों को गुमराह कर रहा है, इस तरीके से वो बातें कर रहा है अपने वीडियो के अंदर, उसके अंदर आज तक का लोगो लगा रहा है और ब्रेकिंग न्यूज़ करके बता रहा है कि आपा छूटने वाली है, आपा कोई वीडियो में कह रहा है कि आपा छूट गई है, कोई वीडियो में कह रहा है कि आपा डिपॉजिटर्स को पैसा देना चालू कर दी है, कोई वीडियो में बता रहा है कि आपा एक नई कंपनी स्टार्ट कर रही है। तो देखिए तकरीबन 10-11 महीने से हम इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको बाकायदा एकदम सही अपडेट दे रहे हैं, एकदम सही जो न्यूज़ होती है वो दे रहे हैं कंपनी की और आपा की। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप लोग भी ये सब दूसरे जो फालतू ये सब जो पैनिक कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं आपको, तो ये सब चीज़ें आप मत देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप पैनिक होके कुछ गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि ये बंदा कल को कुछ भी बोल सकता है, कल को बोल सकता है जाके केस करो। अभी ये बोल रहा है कि आप फॉर्म भरो, पता नहीं किधर फॉर्म भरो, कहाँ फॉर्म भरो, बैंक में जाओ, पता नहीं बहुत सारी बातें कर रहा है ये बंदा, मैं तो सुना नहीं, लेकिन मुझे जो कॉल्स आ रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं ये सब। पहले आपको बता दूं, हैदराबाद में जो रिट पिटीशन डाली गई थी 5449, उसके अंदर देखिए 4 चीज़ें हैं, रिट पिटीशन के अंदर 4 चीज़ें। एक है जिसके अंदर आपा की बेल है, दूसरा है जिसके अंदर केस को क्लबिंग होना है, तीसरा अकाउंट डीफ्रीज होना है, जब अकाउंट डीफ्रीज होएगा तो ही आपको आपका पैसा मिलेगा ना, और चौथी जो चीज़ है वो SFIO को जाना है, ये केस SFIO को सौंप देना है। ये 4 चीज़ें हैं हैदराबाद हाई कोर्ट के अंदर जो पेटिशन डाले हैं 5449। ये पेटिशन अभी एक फाइनल हियरिंग बाकी है सिर्फ, जिसके अंदर कंप्लेनर के वकील या आप ऐसा बोल सकते हैं शहबाज खान के वकील, इनका आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। हमारा आर्ग्यूमेंट पिछली तारीख पे हो चुका है, जिसमें वेणुगोपाल रेड्डी ने सारी चीज़ें क्लियर कट कोर्ट के सामने रख दी थी और कोर्ट को ये बता दिया था कि आपा केपेबल है 3 महीने के अंदर पैसा देने के लिए, ये कोर्ट के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अब इसके ऊपर क्रॉस होना है आपा के वकील का, और क्रॉस होने के बाद फिर बाद में
जो डेट मिलेगी उसके ऊपर ऑर्डर है। आप दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि आप आगे फेवर में आ जाए और महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 2455 रिट पिटीशन है जिसके अंदर केस को क्लबिंग होना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर तो मैं समझता हूँ कि जज ने जो पिछली तारीख के ऊपर कहा पीपी को, तो उस हिसाब से ऐसा लग ही रहा है कि जज दे देगा 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को। अब ये देखना है 7 अक्टूबर को हमारा नंबर आता है कि नहीं। 7 अक्टूबर को अगर नंबर आ गया तो इंशाल्लाह उसके ऊपर जज को देना ही देना है केस क्लबिंग का, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जज ने एक फेवर करते हुए बात की थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सारे केसेस जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर क्लब हो जाएंगे और हैदराबाद के अंदर भी ये फैसला आ जाएगा, तो आपा को वहाँ से बेल लेना है और यहाँ महाराष्ट्र से बेल लेना है और आपा बाहर आ जाएंगी। साथ ही साथ उनके अकाउंट भी जो है डीफ्रीज हो जाएंगे और मैं भी उनसे जाऊंगा मिलने के लिए, इंटरव्यू करेंगे उनका और बात करेंगे उनसे पैसे के बारे में, आप लोग के पैसे से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसा पैसा देंगी। वही 16 महीने का है या जो आपके लॉयर वेणुगोपाल रेड्डी ने कहा 3 महीने का, वैसा आप देंगी कैसा देंगी वो बताएंगी वो। और 30 तारीख को बेल एप्लीकेशन 2008 के ऊपर ऑर्डर आना है, जो भिवंडी की जो बेल रिजेक्ट हो गई थी थाना के अंदर उसके ऊपर बेल ऑर्डर आना है। तो 30 तारीख को भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ बेल मिल जाएगी। आप लोग दुआ कीजिए कि बेल मिल जाए। अगर जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वकील लोग इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर केस क्लबिंग नहीं भी होते हैं तो इंडिविजुअल ये लोग बेल की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेल लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि महाराष्ट्र के अंदर से क्लियर हो जाए और जो है हैदराबाद के अंदर जैसे ही हाई कोर्ट के अंदर उनका ये जो रिट पिटीशन है 5449 के ऊपर उनके हक में फैसला आ जाता है तो वो वहीं से वहीं वो चंचलगुड़ा जेल से रिलीज़ हो जाएंगी, उनको बेल मिल जाएंगी, वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, ये हुआ। और एक बहुत ख़ास बात है, एक लेडीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा फिर बाद में बहुत दिमाग ख़राब करते हैं ये लोग कि आपने हमारा नाम क्यों ले लिया है ये वो वगैरह। लेकिन कैसा इन लोग को अक्ल ज़हीन दिया है अल्लाह ने, फिर भी वापरते नहीं है। लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि परेशान है और यूट्यूब के ऊपर भी इस तरीके से सब न्यूज़ें आ रही है, सब डाले जा रहे हैं न्यूज़ के ये ऐसा वैसा। और आप लोग को कितनी बार मैंने कहा हूँ कि आप लोग है ना जो सही न्यूज़ देता है उसका ही आप लोग देखिए। लेकिन कैसा हो रहा है कि वो बंदा जो है न्यूज़ पे न्यूज़ फेंके जा रहा है यूट्यूब के ऊपर और आप लोग एक न्यूज़ चैनल समझ के उसका न्यूज़ देखे जा रहे हैं, जबकि वो जो न्यूज़ दे रहा है वो सब फेक न्यूज़ है। ठीक है, और एक लेडीज़ के बारे में बात कर रहा था, एक लेडीज़ है धारावी की, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक विड्रॉवल जो फॉर्म भरते हैं कंपनी का, जिसके अंदर जैसे कि आपको अपना पैसा रिटर्न चाहिए, वो विड्रॉवल फॉर्म उन्होंने मुझे भेज दिया है। देखिए आपा, मैं आपका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर आप मुझे फ़ोन करके बोलेंगे नाम क्यों लिए, ऐसा वीडियो डिलीट करो। देखिए आपा, ये जो लेडीज़ हैं ये यहीं माहिम धारावी की है रहने वाली, इनके फॉर्म के अंदर सारी डिटेल्स हैं। इन्होंने 9 लाख रुपया कंपनी में लगाया है और इसमें IBG कोड है, इनका अकाउंट नंबर है। तो देखिए आपा, ये आपकी जो पर्सनल चीज़ आपने मुझे शेयर की है ये मत कीजिएगा। आप सारे इन्वेस्टर्स लोग से मेरी ये अपील है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के अलावा किसी को भी ना दे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। कंपनी जब आपसे मांगेगी विड्रॉवल या आपका सर्टिफिकेट या आपका IBG कोड, जब भी आप दीजिएगा और वो भी तहकीद करके, बाकी कोई भी बंदा मांगता है
तो आप मत दीजिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी कैसा आपा आपने मुझे भेज दिए ये फॉर्म, अभी मैं क्या करूँ इसका बताइए। अभी एक किसी गलत हाथों में चले जाएगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, अकाउंट नंबर है, सारी चीज़ें, तो ये सब मत कीजिए, यही कहना था मुझे। और जो फालतू के न्यूज़ व्यूज़ जो बना रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले लोग, उन लोग का भी आप लोग मत देखिए न्यूज़। बहुत बार मैं रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ आप लोगों से, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई न्यूज़ नहीं थी फिर भी मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना के आपको दे दिया। इंशाल्लाह जैसे ही भी रहेगी आपा की अपडेट या कोर्ट की हियरिंग या कोई भी अपडेट मैं आपको दूंगा, जैसे मैं देता रहा हूँ। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फालतू न्यूज़ चैनल को अवॉइड कीजिए, मत देखिए वो सब न्यूज़, आप लोग पैनिक होंगे, आप लोग गुमराह होंगे। और आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है, विड्रॉवल फॉर्म, किसी से भी शेयर मत करना, प्लीज़ अपील है आपसे। सब कंपनी आपसे मांगेगी जब भी आप देना, ठीक है। बीपीएन न्यूज़ के साथ नुमान कुरैशी, मुंबई।